हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मॉर्निंग का टाइम है। अभी आज मॉर्निंग में 6 बजे से मैं लगती थी काम पे। आज बहुत सारे काम निपटाए हैं मॉर्निंग में। बस अभी 9 o'clock के करीब का टाइम है। मैं बना रही हूँ सब्जी। आज राजमा की सब्जी बनाई है। आफ्टरनून में यही सब्जी चल जाएगी, इसी के साथ ही खाना खाएंगे। तो बस अभी मैं बना रही हूँ राजमा। तो मैंने लिए हैं 3 टमाटर, 3 प्याज, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और साथ में मैंने ली है 2 हरी मिर्ची। बस इन सभी चीज़ों को इकट्ठे मैंने ग्राइंड कर लिया है। उसके बाद कढ़ाई में मैंने डाला है ऑयल, मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ सब्जी। ऑयल डालने के बाद एक लेडल जो मैं जिससे सब्जी बना रही हूँ, बस इसी एक बड़े चम्मच को मैंने ऑयल, मतलब एक बड़ा चम्मच ऑयल का डाला है। पूरा फुल नहीं डाला, थोड़ा सा कम ही डाला है। तो बस इसको गर्म करने के बाद, जब ऑयल प्रॉपर गर्म हो जाए, इसके बाद मैंने ग्राइंड किया हुआ मसाला ऐड किया है। तो साथ में डाली है कसूरी मेथी। इसको भूना है। जब मसाले में से पानी एकदम सूख जाए तो उसके बाद इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, तो ये डालना है उसके बाद। और साथ में डालना है धनिया पाउडर। ड्राई मसाले ऐड करने के बाद मसाले को अच्छे से भूनना है। तो जब मसाला घी छोड़ने लगे, उसके बाद बॉईल किए हुए राजमा मैंने इसमें ऐड किए हैं। राजमा को पहले मैंने बॉईल कर लिया था, तो बस बॉईल किए हुए राजमा ऐड किए हैं। इसमें पानी थोड़ा कम था, इसमें पानी मैंने थोड़ा और ऐड किया है। तो बस जितनी क्वांटिटी आप पानी की सब्जी में रखना चाहते हैं उस हिसाब से पानी डाल लेना है। और उसके बाद 10 से 15 मिनट इसको सब्जी को पकाना है। तो बस बॉईल करने के बाद अच्छे से तो सब्जी हो जाएगी रेडी। सब्जी बहुत टेस्टी बनी है, दिखने में भी बहुत अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी बनी थी। बस सब्जी रेडी होती है, साथ में मैं बना रही हूँ राइस। तो बस अभी राजमा बनते हैं। आपको पता ही है कुछ ऐसी सब्जियाँ होती हैं जैसे कढ़ी है, राजमा है, चने की दाल है, या फिर मतलब काले चने कह सकते हो। तो कुछ ऐसी सब्जियों के साथ राइस बहुत टेस्टी लगते हैं। तो बस अभी मैं बना रही हूँ राइस। राइस ऐसे ही बॉईल करके बनाए हैं आज मैंने, मतलब कि इसमें तड़का वगैरह नहीं दिया है। खाने पीने का काम निपटाने के बाद मैं कर रही हूँ साफ सफाई। बस अभी क्लीनिंग हो रही है तो किचन साफ करी है। सारे काम एक दिन में नहीं हो पाते हैं शेड्यूल के अकॉर्डिंग। जैसे मैं काम कर लेती हूँ, जैसे किसी दिन कोई रूम की कबर साफ़ कर ली, किसी दिन दूसरे रूम की कबर साफ़ कर ली और किसी दिन किचन की कबर साफ़ कर ली, बस ऐसे चलता रहता है। डेली रूटीन के काम है जो मॉर्निंग में हम करते हैं। तो साफ़ सफाई का काम भी जैसे जैसे ज़रूरत महसूस होती है, जहाँ पे ज़रूरत महसूस होती है वैसे हम कर लेते हैं। तो आज मॉर्निंग में पहले मैंने बाथरूम क्लीन किया था। तो बस कुछ दिन बाद जैसे होता है कि हाँ, अब ये जगह साफ़ करने वाली है, ये कोना साफ़ करने वाला है, यहाँ से क्लीनिंग करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये काम चलते रहते हैं। तो बस अभी कर रही थी किचन साफ़। किचन क्लीनिंग के बाद आज फिर मैंने जैसे जाले वगैरह निकालने थे थोड़े, जैसे कई बार होती है ना छतें साफ़ करनी होती हैं, थोड़े थोड़े दिन बाद ये मैं खुद वैसे ही कर लेती हूँ। तो बस ये चलता रहता है काम। यहाँ पे डस्ट की बहुत प्रॉब्लम है, डस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है, इसलिए हर 10-15 दिन में थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। वैसे तो डस्टिंग डेली होती है, लेकिन थोड़ा सा डीप क्लीनिंग का जो काम है वो भी साथ साथ में चलता रहता है थोड़े थोड़े दिन के गैप के बाद। आगे आने वाले दिनों में फेस्टिवल्स आ रहे हैं और वैसे भी सभी का फोकस क्लीनिंग पे हो रहा, साफ सफाई पे हो रहा। सोच हर किसी की अपनी अपनी होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम सोचते हैं ऐसे ही सभी सोचे। हमें दूसरों की सोच की भी कदर करनी चाहिए। जो सोच हमारी सोच के साथ मैच नहीं खाती है तो बस कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, उनको छोड़ देना ही बेहतर है। फैमिली में हम एक दूसरे के साथ बॉन्ड होते हैं। जैसे जैसे हम लाइफ में आगे जाते हैं, लाइफ बिताते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो ये रिश्ते और गहरे होते चले जाते हैं।
अभी 11 बजे का टाइम है, बच्चे आए हैं स्कूल से, तो अभी बच्चों को दे रही हूँ फ्रूट काट कर, इसके बाद खाना पीना होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। इसी के साथ व्लॉग का यहीं पे करूँगी एंड, मिलूँगी नेक्स्ट न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।